Hello everyone, I'm Neetu Kail and today we discuss on K-midoid method in clustering. Clustering के इससे पहले हम K-means method पढ़ चुके हैं. जो K-mean method है वो काफ़ी lengthy होता है क्योंकि उसमें हमें पहले centroid find out करना पड़ता है, फिर उसकी हम distance find out करते हैं. तो उसके comparison में K-midoid जो है काफ़ी easily है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक गिवन वैल्यू होगी, उसके बाद के की वैल्यू गिवन होगी कि कितने क्लस्टर हमें बनाना है. जैसे हमें 3 क्लस्टर बनाना है तो के की हमें 3 वैल्यू गिवन होगी, फिर उसके हिसाब से हमें क्या करना है, रैंडमली 3 वैल्यू चूज करनी हो. 3 वैल्यू को चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी उससे नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको उस क्लस्टर में मर्ज कर देंगे, फिर उसका मीन्स निकाल देंगे. तो तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमें रिपीटेशन नहीं मिलती, सिर्फ इतना करना है. तो एक बार करके देखते हैं. जस्ट इन मिनट मीन्स बहुत ही आसान है. वैसे तो ये पेपर में 10 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन सोल्व करोगे तो आप फ्री के 10 मार्क्स मान के चलो कि आपको फ्री के 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी मेथड होता है. तो लेट वी स्टार्ट नाउ. इन दिस एल्गोरिथम फर्स्टली रैंडम सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एज मिडोइड. मिडोइड के तरह एक मिडोइड चूज करेंगे, एक रैंडम वैल्यू चूज करेंगे फॉर ईच ऑफ द के क्लस्टर. आफ्टर दोज नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मर्ज विद दोज क्लस्टर विद इट्स सिमिलर बेस. तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी रैंडमली जितने भी हमें क्लस्टर बनाने हैं उतनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी उसके सिमिलर है उसको उसमें मर्ज कर देंगे. मीन्स नंबर सिस्टम दे रखा होगा तो हम नंबर को कंपैरिजन करके देखेंगे, जो उसके नियरेस्ट है उसको डाल देंगे. अदरवाइज हमें ऐसे कोई वैल्यू गिवन है कि कुछ हमें हाउस होल्ड आइटम दे रखे हैं, कुछ हमें प्ले आइटम दे रखे हैं, कुछ हमें स्कूल होल्ड आइटम दे रखे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, रैंडमली जो वैल्यू चूज करेंगे जो जिसके सिमिलर होगी वो वैल्यू उसमें डाल देंगे. तो ऐसा होगा तो इसमें क्या है, सिर्फ 3 स्टेप्स है. तो क्या करना है, पहले क्या करेंगे, टेक मीन्स वैल्यू, इफ़ नॉट गिवन देन चूज एनी रैंडम. तो मिडोइड वैल्यू चूज कर लेंगे जो भी हमें गिवन है, फिर क्या करेंगे, ना गिवन है तो हम उसको रैंडमली चूज कर लेंगे, फिर जो उसके नियरेस्ट है उस क्लस्टर में उसको डाल देंगे. तब तक करते रहेंगे ये प्रोसीजर जब तक हमें रिपीटेशन नहीं मिलती. तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे करने वाले हैं हम एक नंबर गिवन होगा, जो भी के की वैल्यू गिवन है उतनी ही वैल्यू हम चूज कर लेंगे, या नहीं गिवन है तो कोई भी रैंडमली हम अपनी वैल्यू मान सकते हैं कि हम इतने क्लस्टर क्रिएट करने वाले हैं. तो फिर क्या करेंगे, जो भी हमने के की वैल्यू मीन्स M1 M2 मिडोइड जो भी हमने लिया है उसको क्या कर देंगे, उसके साथ जितनी भी वैल्यू है उनको हम मर्ज कर देंगे जो उसके नियरेस्ट है. फिर क्या करेंगे, उसका मीन या मीन्स निकालेंगे, मीन्स एवरेज निकालेंगे. तब तक निकालते रहेंगे जब तक रिपीटेशन नहीं आते. जैसे ही हमें रिपीटेशन मिलेगी, रिपीटेशन मिलते ही हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे अपने प्रोसीजर को और हमें अपने क्लस्टर मिल चुके होंगे. तो करते हैं सोल्व. तो मुझे मैंने जैसे ये एक प्रॉब्लम ली है, मेरे पास एक ये प्रॉब्लम गिवन है और के की वैल्यू मुझे 2 गिवन है. इसका मतलब क्या है, मुझे 2 क्लस्टर क्रिएट करने हैं. तो 2 क्लस्टर क्रिएट करने हैं तो मुझे कितनी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मुझे 2 रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करनी है. तो 2 रैंडम वैल्यू में कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ से 4 और 12. तो मेरा M1 क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, और M2 मेरा क्या बन जाएगा 12. कोई भी रैंडमली मैंने यहाँ पे 4 12 लिया है, तो आप कोई भी रैंडमली 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो. तो इसके बाद क्या करेंगे, अब जो भी 4 के नियर वैल्यू मिलेगी उसको हम K1 क्लस्टर में डालेंगे. तो 4 के नियर मेरा क्या है, 2 किसके नियर है, 4 के या 12 के, ओबियसली किसके पास है, 4 के पास है. तो 2 3 4 तो मेरे फर्स्ट क्लस्टर में आ जाएंगे, और K2 में मेरे क्या आ जाएंगे, K2 में जितने भी नंबर बच गए 4 के अलावा, जो क्योंकि मेरे सब किसके पास है, 12 के ज़्यादा नियर है 4 की बजाय, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी. अब क्या निकालेंगे, तो सेकंड स्टेप क्या है, इसकी एवरेज या मीन्स निकालेंगे. तो मीन्स निकालने का क्या फार्मूला है, 3 + 4 जितने भी नंबर गिवन है उतने से डिवाइड कर देंगे. तो मेरा यहाँ से क्या निकल आएगा, 3 निकल आएगा, क्योंकि इनको प्लस करूँगी, 9 9 बाई 3 = 3. और यहाँ से ये मेरी नेक्स्ट M1 है, यहाँ से M2 अगेन निकालेंगे तो क्या आएगा, इन सब को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 6. तो मेरा ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे 18 आ जाएगा. इसको सोल्व करूँगी तो मेरा अब कितना आ चुका है, 3 और 18. अब मैं चेक करूँगी 3 और 18 के नियर वैल्यू. तो मेरा जब अब M1 क्या है 3 और M2 क्या है 18. तो नेक्स्ट दोबारा फिर क्या करेंगे,
K1 क्लस्टर फाइंड आउट करेंगे। ये कब तक करना है? जब तक मुझे अपनी नियरेस्ट वैल्यू नहीं मिलती और रिपीटेशन ख़त्म नहीं होती, तो तब तक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 के नियर जो जो वैल्यू वो लिखते चले जाएंगे। 2 भी 3 के नियर है, 3 भी, 4 भी। अब 10 क्या है मेरा, 18 के ज़्यादा नियर है या 3 के? 3 के, क्योंकि 3 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा 10 है, लेकिन हमें 10 में 8 ऐड करने पड़ेंगे तब 18 के पास पहुँचेंगे। तो 10 कहाँ आएगा मेरा, 3 के पास, और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो मेरे किस में चले जाएंगे, K2 में। तो K2 में मेरा क्या जाने वाला है, 11, 12, 20, 25 प्लस और 13। अब क्या करेंगे, अगेन क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, और सोल्व करने पे क्या निकलेगा, 19/4 इज इक्वल टू 6/60.7। तो ये पॉइंट में आया, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट के बजाय इसको नीरेस्ट 7 कर देंगे। तो ये हमारा 7 आ चुका है यहाँ से, और ये क्या करेंगे, अब इसका मीन निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा, 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 13, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, इसकी वैल्यू आने वाली है 11। तो मेरा यहाँ से M1 और M2 की वैल्यू निकल चुकी है। फिर क्या करेंगे, M1 मेरा क्या है, 7, और M2 है 11। फिर इसका क्लस्टर फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्लस्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, 2, 3, 4, अब 10। 10 मेरा 7 के ज़्यादा नियर है या 11 के? तो 11 के। तो ये मेरा यहाँ सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, बाकी जो मेरे आएंगे K2 के अंदर चले जाएंगे। तो क्या आएंगे, 10, 11, 12, 20, 25, 13। तो अब आप नोट करोगे, इससे पहले भी क्लस्टर ये मेरा निकल चुका है सेम, 2, 3, 4, K1 और 10, ये सब। तो मेरा क्या है, अब मेरी रिपीटेशन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे फाइनल क्लस्टर है वो क्या है, ये मेरे फाइनल क्लस्टर आ चुके हैं। ये मेरा एक क्लस्टर है, सेकंड क्लस्टर मेरा ये है। तो ये मेरे क्लस्टर की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है। तो K1 में आएंगे 2, 3, 4 और K2 में आएंगे 10, 11, 12, 20 और 25, 13। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ एक बार नियरेस्ट वैल्यू को उसमें डालना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर नियरेस्ट वैल्यू में डालना है, फिर मीन्स निकालना है, तब तक करना है, तब तक हमें रिपीटेशन ना मिल जाए और फरी के 10 नंबर मिलेंगे जो हम ऐसा सोल्व कर देते हैं। तो ये मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आता है पेपर में। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ताकि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।